हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग 40 to 45 मिनट के इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज पेपर है जो कि हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि जो आपकी जो डे बाय डे नॉलेज है वो इंप्रूव होती रहे और आप आने वाले एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर है जो भी कर सके। चलिए गाइस, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये सारे एग्जाम है दोस्तों जो कि हम लोग कवर करते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, रेलवे, मैनेजमेंट, लॉ, पुलिस, एससी, बैंक, इन सभी एग्जाम के अंदर आपको 80 to 90% करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ओके गाइज, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस डे के कुछ क्वेश्चन की जो कि मैंने कल आपको दिए थे। सबसे पहला सवाल था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर है, आपसे मैंने जो है कल पूछा था। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आवाज वाज परफेक्टली आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलिए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आसाम आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, कहा गया आंसर ये आसाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान के दोस्तों वर्तमान गवर्नर जो है वो कौन है। गवर्नर के बारे में बात करें तो हमने देखा था दोस्तों गवर्नर राजस्थान के कौन है, कालराज मिश्रा जी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की मेजबानी कर रहा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021। आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु आपका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। जाफना द्वीप डैश का एक हिस्सा है, जाफना द्वीप के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। जाफना कहां पर है, श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खोजा गया ब्रुक्सिया नाना दुनिया का सबसे छोटा वयस्क सरीसृप हो सकता है, यानी कि स्मॉलेस्ट मैमल रेप्टाइल बताया गया है। इसको कहां पर डिस्कवर किया गया, मदागास्कर के अंदर है इसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट है कोट ऑफ द डे जो कि यहां पर भेजा गया है, क्रिया के द्वारा वन बुक वन पेन वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल सच बात बोलिए गाइस, आप भी कभी जीवन के अंदर बुक पेन और एक बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा, ताकि एक दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा है जो कि जरूर हो सके। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप 5 लोगों को गरीबी, जो बीपीएल होता है, गरीबी रेखा होती है, उससे आप ऊपर लेके आने में मदद करते हैं। ओके, क्योंकि जब ये बच्चा पढ़ेगा तो शादी, खुद के बच्चे, ये सब आने वाले टाइम पे बीपीएल से ऊपर रहेंगे। ओके, चलिए, इसीलिए बोला जाता है कि वन बुक वन पेन वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर हमारे देश के अंदर सभी लोग ये सोच ले कि हमें एक एक अंडर प्रिविलेज बच्चे को पढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि मतलब देश के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा अनपढ़ रह जाएगा या फिर भीख मांगता हुआ, रैग पैकिंग करता हुआ, इस प्रकार के कोई भी काम करता हुआ दिखेगा हमें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। मेरी आपसे कोई ये नहीं है कि आप कुछ वाईफाई स्टडी के लिए मेरे लिए कुछ बहुत कुछ करो। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि जो भी मैंने आपको पिछले कई सालों से सिखाया है, उसके अंदर जब भी आपको लगे कि आपने अगर मुझसे कुछ भी सीखा है, तो लाइफ के अंदर एक बच्चे को जरूर पढ़ा देना। ओके, चलिए, और मेरी जो क्लासेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। BHU 10 अगर अकेडमी में अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स देना हो किसी भी एग्जाम के लिए, SSC, बैंक, UPSC, तो आप BHU 10 या भुवनेश्वर यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। SSC में फाउंडेशन मैच चल रहा है जहां पे मैं GK पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ओके गाइस, साथ में टॉप 40 स्टैटिक GK कोर्स है जो कि चल रहा है, मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, आज भी है 10 बजे, ज्वाइन करना मत भूलिए। आज हम हमारा Chapter 3 है जो कि करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए, SSC के अंदर पॉलिटी की शुरुआत होने वाली है। ₹500 पर मंथ में आप सब्सक्रिप्शन SSC का ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों दहिंदू, दहिंदू के फ्रंट पेज पे आज क्या क्या है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों दहिंदू की बात करते हैं। दहिंदू के अंदर सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर यहाँ पे तपोवन डैम के जो टनल है वहां पे वापस से दोस्तों रेस्क्यू एफर्ट जो कि स्टार्ट कर दिए गए वो यहाँ पे बताया गया है, और पानी का जो लेवल है धौली गंगा के अंदर वो वहां पे थोड़ा सा बढ़ गया है, उसकी वजह से काम थोड़ा सा होल्ड पे चला गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऋषि गंगा के वहां पे पानी थोड़ा सा और इकट्ठा होता जा रहा है मतलब, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है कल बोल ही दिया था कि जो पैंगोंग लेक है वहां से धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं टैंक जो है वो वापस से
पीछे की तरफ जा रहा है। हम लोग बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर। तो हमारे देश में 17 ऐसे ओटीटी प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट है जो कि अडॉप्ट करी है। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट क्या होती है, क्यों इन्होंने बनाई है, इसके बारे में बात करेंगे। सी डबल ए आने वाला है वैक्सीन के बाद में, ऐसा अमित शाह जी ने दोस्तों बंगाल में कहा। बंगाल के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो उसी का फायदा भी यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे रवि प्रसाद जी ने भी बोला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है। हम लोग जो बात करेंगे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर बात करेंगे। देखिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या है, आपने कई बार सुना होगा, कई बार सोचा होगा कि ओटीटी होता क्या है। तो मैं आपको पहले पूरा इसका इतिहास, प्रेजेंट क्या चल रहा है, सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। ओटीटी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, देखिए एक तो होता है टीवी और एक होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म। टीवी पे आपको वो दिखाया जा, टीवी पे जो आता है ना वो आपको देखना पड़ता है, लेकिन ओटीटी पे जो आप चाहते हो वो आप देखते हो। तो बिल्कुल क्या है, दोनों वाइस वर्सा है टीवी के अंदर और ओटीटी में। इसीलिए दोस्तों आजकल टीवी की डिमांड बहुत कम हो गई है और ओटीटी के प्लेटफॉर्म की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ये ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सर्विसेज देती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब आपने सुना होगा। शुरुआत में तो ये लोग क्या करते थे कि कंटेंट को होस्टिंग प्लेटफॉर्म थे, यानी कि आप इनको कंटेंट दे दो, ये सिंगल जगह पे कंटेंट डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आने लग गया कि सिर्फ कंटेंट डालने से काम नहीं चलेगा, कंटेंट बनाना भी पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट मूवीज का, फीचर फिल्म का, डॉक्यूमेंट्रीज का, वेब सीरीज का, और ये खुद भी बनाने लग गए। ओके, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है। जैसा आप कंटेंट देखते हो वैसे ही कंटेंट आपको दिखाया जाता है ताकि व्यूवरशिप बढ़ सके। कुछ कंटेंट फ्री होता है, कुछ कंटेंट मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर होता है। प्रीमियम कंटेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जो है वो इसको पूरी दुनिया में देख सके और वो अवेलेबल कहीं और नहीं हो सके। ये तो हो गया आपका ओटीटी के बारे में। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इंडिया के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड इंडिया। आपको मालूम है दोस्तों लॉकडाउन के अंदर जो है हमारे देश में इंटरनेट तो चल ही रहा था, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा ग्रोथ है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखने को मिली। सभी लोग खाली थे, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर हमने काफी ग्रोथ है जो कि इसके अंदर देखने को मिली है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन मार्केट माना जाता है। 2024 तक दुनिया का छठा लार्जेस्ट है जो कि बन जाएगा। आज के टाइम पे भी 35 बिलियन INR का वैल्यूएशन है, 50 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर है और 8% की ग्रोथ रेट है। जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज थी जिन्होंने खुद के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड है जो कि बनाया था। ओके, गवर्नमेंट ने तो क्या पास में अभी ऐसा कोई भी कोड या रेगुलेशन नहीं है, तो इन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने खुद को ही क्या किया था, खुद को लिए एक कोड है जो कि बनाया था। कुछ प्रिंसिपल है जो कि डिसाइड करे थे, जैसे कि कभी भी ये कोई कॉन्टेंट ऐसा नहीं डालेंगे जिसमें हमारे नेशनल एम्बलम या फ्लैग का बेइज्जती हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रमोट हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट भड़के, टेररिज्म को भड़के, या फिर ऐसा कुछ भी कोई कंटेंट जो कि बैन कर दिया जाए हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो इन्होंने खुद के लिए दोस्तों ये रूल्स है जो कि सेटअप है जो कि करे थे। अब इशू क्या आता है इसके अंदर, ओटीटी प्लेटफॉर्म में इशू क्या है। एक तो पहला बात है कॉन्टेंट का रेगुलेशन। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉ या ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि मॉनिटर कर सके डिजिटल कॉन्टेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके गाइस, इसी की वजह से इनकी कोई भी स्क्रीनिंग या फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। आपको एक बात बताता हूँ, एक आदमी था अग्रवाल, अग्रवाल करके, उल्लू करके एक कंपनी बनी, उल्लू। ठीक है, एक बहुत ही थर्ड ग्रेड का कंटेंट है जो कि अवेलेबल करवाते हैं। आपको मालूम है कि जब नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब तो क्या करते हैं कि हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के टाइम पे एक नई कंपनी है जिसका नाम है उल्लू, और इसने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर दिया। और ये कंटेंट पता कैसे देती है, थर्ड ग्रेड का कंटेंट देती है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि मतलब पोर्नोग्राफी से बस थोड़ा सा ऊपर ही मान लो आप इसको, समझ रहे हो। तो इनको, इस उल्लू वाले को पता था कि इंडिया के अंदर ऐसा कॉन्टेंट बहुत चलता है, तो 200 रुपए का, साल का ईयरली 200 रुपए लगा के इसने क्या कर दिया, लोगों को ऐसा कॉन्टेंट अवेलेबल करवा दिया। दो दो तीन तीन लाख रुपए के अंदर जो है ऐसी मूवीज बना दी जिसके अंदर कोई सीखने को कुछ नहीं है, मतलब एकदम थर्ड ग्रेड कंटेंट। लेकिन उन्हें, उसको ये बात समझ में थी कि उस इंडिया के अंदर ऐसा कंटेंट चलता है और ऐसे लोग बहुत सारे देखेंगे ऐसा कंटेंट। तो भाई ने क्या किया कि 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंदर समझ रहे हो।
तो इस तरीके से मतलब ये कंपनी जो है वो आगे बढ़ गई। अब ऐसा क्यों हो पाया, इसने हमारे लॉ का लूप होल निकाल लिया कि हमारे यहाँ पे तो कोई फिल्ट्रेशन या स्क्रीनिंग का प्रावधान नहीं है। अरे भाई ऑल्ट बालाजी और ये सब भी तो ये काम करते हैं, है ना। मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा कोई भी कॉन्टेंट जो है उसको टाइम पास मत किया करो। आपके पास में बहुत अच्छी चीजें देखने को है। मैंने आपको रिकमेंड करी थी एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, मैंने आपको रिकमेंड करी थी। ओके, मैंने आपको सोशल डायलेमा रिकमेंड करी थी। ऐसी बहुत सारी मूवीज मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड करता रहता हूँ, बुक्स भी मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप ऐसी चीजों में अगर अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, तो ये क्या टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ हियर। ओके, ये सब इसी तरीके से मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, जो रिक्शे वाले हैं और जो अपने ऑटो वाले हैं ना, जिनके पास में रात को कोई शाम में कोई टाइम कुछ भी नहीं होता करने के लिए, तो वो लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप जैसे लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बेनिफिट हमारे करियर को या हमारे लाइफ को कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया इसने। तो ये एक बिजनेस आइडिया के तौर पे मैंने आपको मतलब कैसे लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का वो मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है, तो हमारे देश में क्या है कि प्रिंट और रेडियो टेलीविजन इन सब के ऊपर तो गाइडलाइंस है, लेकिन ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इसको डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के तौर पे डाला हुआ है, जिसका कोई भी रेगुलेशन अभी नहीं है। समझ गए मेरी बात। इसके अंदर ये देखिए सर्टिफिकेशन को लेकर इन सब को लेकर कोई ज्यादा प्रावधान नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, वीडियो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स है इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लेके आएंगे। और साथ में कई सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो करंट अफेयर्स हो गए, न्यूज है, उनको भी हम लोग रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट को लेकर भी बोला है। तो सरकार ने क्या दो एक तीर से दो निशाने मारे कि भाई ओटीटी वालों के लिए तो कर लेते हैं, साथ में जो ऑनलाइन जो कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं जो लोग, है ना, ओके, जो कि थोड़ा बहुत जागरूकता आज के टाइम पे मीडिया का वही कर रहे हैं, मीडिया का वही काम, तो उनको भी इसके साथ में ही अंडर में ले लो, ताकि दोनों को काम हो सके। तो गवर्नमेंट क्या कर सके, अपने रेगुलेशन के द्वारा उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है गाइस। चलिए तो ये हो गई पूरी डिटेल। और ऑनलाइन कंटेंट दोस्तों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में वैसे आते हैं, ठीक है। प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया का अलग से दोस्तों प्रावधान बने हुए हैं, आपको मालूम है, ठीक है गाइस। अब इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन की बात करें, और अगर ये रेगुलेशन बन गए तो आने वाले दिनों में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने कंटेंट को लेकर, ठीक है गाइस। तो ये पूरा का पूरा आने वाले दिनों के अंदर सर्टिफिकेशन की जरूरत है जो कि पड़ेगी। तो ये तो हो गया पूरा डिटेल जो कि मैंने आपको बताया ओटीटी को लेकर, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आज का मुद्दा क्या था, जो कि था 17 हमारे यहाँ पे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जो कि बन चुके हैं और इन्होंने खुद को रेगुलेटरी टूल किट है जो कि अवेलेबल करवाया है। इसके अंदर ये जानकारी इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, इन सब ने टूल किट है जो कि अडॉप्ट करी। टूल किट कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डॉक्यूमेंट है सेल्फ रेगुलेटरी कोड को लेकर, ठीक है। तो वो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर खुद ने ही अपने जो रूल्स जो मैंने आपको बताया ना, वो इन्होंने खुद के लिए जारी करा है, वो यहाँ पे बताया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि है ठीक चलिए, एक अमनदीप करके बच्चा है, वो तो बोल रहा है कि मैंने इसको यूज नहीं किया है, किसी को चाहिए तो बता किसी का भला हो जाएगा। ये भला हो रहा, ये भला होना नहीं है, ठीक है, ये बुरा करना ही है। ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे तो टाइम पूरा बर्बाद होएगा, कोई लेना देना नहीं है। चलिए पेज नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे दोस्तों ठीक है, ये वाले न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि अभी यूपीएससी ने दोस्तों एडवर्टाइजिंग जारी करी है, लेटरल एंट्री है जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करने वाले हैं। यानी कि कई सारी ऐसी पोजीशन जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के कई सालों बाद में मिला करती थी, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर ही उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर हायर कर रही है। तो ऐसे 30% है जो कि रिक्रूट कर रही है ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के ऊपर, ओके। तो ये यूपीएससी ने एडवर्टाइजिंग है जो कि जारी करी है, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा,
कई सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर इनको अपॉइंटमेंट है जो कि किया जाएगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे जाएंगे 3 जगह पे, तो 27 जगह पे डायरेक्टर लेवल के ऊपर। पीएसयूज हो गए, ऑटोनोमस बॉडी हो गई, वहां पे इनका अपॉइंटमेंट होगा। और बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वर्कर एक्सपीरियंस, और 10 साल का पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। 10 साल के लिए एक्सपीरियंस डायरेक्टर के लिए, 15 साल के लिए सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया। तो यानी कि यूपीएससी के जो आने वाले दिनों में यूपीएससी की जो जॉब्स है जो वो भी थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 दोस्तों। यहाँ पे यूएस ने इम्पोजिशन सैंक्शन है जो कि म्यांमार के ऊपर लगा दिए हैं, ठीक है। एनटीपीसी एनालिसिस क्यों नहीं करा रहे हैं? एनटीपीसी एनालिसिस करवा दूंगा अक्षय, चलो ठीक है यार, आज से करते हैं, ठीक है। एनालिसिस अक्षय आज से कर लेंगे, ओके चलिए ठीक है। हाँ चलिए ठीक है गाइस, आज आगे बात करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है म्यांमार को लेकर। म्यांमार पे दोस्तों कुछ लोगों ने क्या लगा दिया है, इकोनॉमिकल और कंप्लीट सैंक्शन है जो कि लगा दिया है, जैसे कि न्यूजीलैंड, अमेरिका, और अभी जल्दी मीटिंग होने वाली है, और यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, वो सब भी म्यांमार के ऊपर सेंक्शन लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी दोस्तों अभी वहां पे होल्ड पे चली गई है। 10 साल ही हुए थे डेमोक्रेसी लाए हुए, और प्रोटेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। बाइडन की ने डिमांड करी है कि वापस से जो पावर है उसको चेंज कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं म्यांमार की स्ट्रीट के ऊपर 6th कॉन्सिक्यूटिव डे है, और यूएस प्रेसिडेंट ने भी इसका अनाउंसमेंट किया है। साउथ एशियन नेशन के जो जनरल से डिमांड करी है वापस से पावर को चेंज करने को लेकर। यहाँ की जो लीडर्स थी एंग सैन सू की, उनको और उनके सारे लीडर्स को अभी डिटेन कर लिया गया है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है एनएलडी, क्या नाम है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये उनकी पार्टी का नाम था। और अभी वहां पे वाटर कैनन्स हो गए, रबर बुलेट्स हो गए, वो सब यहाँ पे यूज करी जा रही है प्रोटेस्ट करने के लेकर। नैपी दो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल है, कायट है जो कि यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है, ठीक है गाइस। तो आपसे पेपर में पूछेंगे, $1 बिलियन की हेल्प है जो कि अमेरिका वैसे देता है इस कंट्री को, उसको भी उसने होल्ड पर जो है वो डाल दिया है, समझ गए। चलिए आशुतोष बोल रहे हैं कि सर एक बार आईबी ओरिएंटेड कंटेंट है जो कि अवेलेबल करवा दीजिए। आशुतोष कल रात को मैंने आईबी का करंट अफेयर जो कि अवेलेबल करवाया है, एक बार देख लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको काफी हेल्प करेगा। खुश बोल रहे हैं कि सर सर जी आप भी सुबह उठते ही मम्मी पापा के पैर छूते हो क्या? नहीं यार कुछ इतना तो नहीं करते वैसे, खैर मतलब कि सुबह उठते ही पैर छूते, लेकिन यस मतलब रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बाकी पैर तो खैर, और झूठ नहीं बोलूंगा मैं ऐसा नहीं करता हूँ मतलब, ठीक है। बाकी कोई करता है तो अच्छी बात है मतलब, ओके बाकी ठीक है मतलब। आगे बात करते हैं, पाक ने दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट जो कि किया है, किसको लेकर, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। तो आपको मालूम है कई बार एग्जाम के अंदर दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइजेस और साथ के अंदर ये पूछते हैं कि कौन सी मिसाइल कौन से देश की है। तो यहाँ पे सरफेस टू सरफेस, हमारे देश में सरफेस टू सरफेस कौन सी है, जल्दी बताइए, सरफेस टू सरफेस हमारे देश में कौन सी है? पाकिस्तान के अंदर जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है, उसका नाम है यहाँ पे बाबर। उसका दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट जो कि पाकिस्तान ने किया है दोस्तों, ठीक है गाइस। ओके, हमारे यहाँ पे सरफेस टू सरफेस कौन सी है, पृथ्वी है। आकाश जो है हमारे यहाँ पे मिसाइल, वो सरफेस से एयर की तरफ जाती है। आकाश का मतलब ऊपर, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के ऊपर आती है। तो इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हो। ओके गाइज, तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया में अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वॉरहेड की, तो यहाँ से आप जो ये मिसाइल्स है ना, इनसे आप लोग न्यूक्लियर वेपन भी जो है वो छोड़ सकते हैं। तो रशिया और यूएसए के बाद में देखिए 6,500, 6,500, फ्रांस 300, चाइना 280, यूके 215, पाकिस्तान 140, इसराइल 80, नॉर्थ कोरिया 10 से 20, और इंडिया के पास में भी 130 से 140 माने जाते हैं। इंडिया के पास में जो डिलीवरी सिस्टम है इन्हें न्यूक्लियर मिसाइल को भेजने के लिए वो मॉडेस्ट है। डेडलीस्ट मिसाइल हमारी अग्नि 5 है, 5,000 किलोमीटर की, पाकिस्तान की 2,700 किलोमीटर की है शाहीन, और चाइना की 14,000 किलोमीटर की डोंग फैंग, क्या नाम है, डोंग फैंग नाम है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे पृथ्वी है, अग्नि है, अग्नि द्वितीय है, अग्नि तृतीय, अग्नि 5 है जो कि हमने रिसेंटली बनाई थी। हम इसको सुखोई हो गया, मिराज, जगुआर,
से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन है अरिहंत, जिसका नाम है, ठीक है गाइज, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो डिलीवरी सिस्टम है, हमारे यहाँ पे पृथ्वी, दो, अग्नि, ये सब है इनके यहाँ पे, गजनवी, शाहीन, गौरी, ये सब इनके नाम है। क्रूज मिसाइल के अंदर बाबर है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे धनुष भी है, K-15 भी है, ओके, ये सब है। तो आपसे पेपर में पूछे तो ध्यान रखिएगा। हालांकि क्या इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री के अंदर या दोनों देशों में कोई कंपेरिजन नहीं है, कंपेरिजन हमेशा 19 और 20 के बीच में होता है, ओके, कभी भी 10 और 20 के बीच में कोई कंपेरिजन नहीं होता है। तो अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान को कंपेयर करता है तो मुझे लगता है कि हमारे खुद की हम देश की बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई कंपेरिजन नहीं है। वो तो खैर पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं कि वोट बैंक के लिए कंपेयर कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कहीं की पैर में नहीं। अगर आप देखोगे दोस्तों मिलिट्री बजट तो हमारा 4 ट्रिलियन का है, इसका 1.26 ट्रिलियन रुपी का है, ओके, जीडीपी का हम लोग, हमारी जीडीपी मतलब इससे 3 गुना ज्यादा है, 2.1 ट्रिलियन जीडीपी का 2.1 हम स्पेंड करते हैं, 3.6 करता है। आर्मी हमारे 12 लाख लोगों की है, इनकी 5.6 की है। बैटल टैंक्स हमारे पास 3,500 है, इनके पास में 2,500 है। आर्टिलरी गन्स 10,000 है, इनके पास में 4,500 है। नेवी की बात करें सबमरीन 16 है, इनके पास में 8 है, ओके। एयरफोर्स की बात करें 1.25 लाख और इनके पास में 45,000। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी डबल है हमारे पास में। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास में ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि इंडिया इसको बताता नहीं है कि हमारे पास में रियलिटी के अंदर कितने हैं। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों यूरोप की सबसे बुजुर्ग लेडी, जिसका नाम है यहाँ पे फ्रेंच, एक नन है जिन्होंने 117 साल की उम्र के अंदर किसको हरा दिया, कोविड-19 को हरा दिया, ओके, 117 साल की उम्र के अंदर कोविड हुआ और उससे भी ये बच गई। यूरोप की ओल्डेस्ट पर्सन दोस्तों फ्रेंच नन है, जिनका नाम है सिस्टर एंड्रे, 117 साल की हो चुकी है, कोविड-19 भी हुआ था और ये बिल्कुल सही भी हो चुकी है, दो वर्ल्ड वॉर को दोस्तों झेल चुकी है, ओके, और कोविड-19 को भी झेल के ये निकल गई है, काफी बड़ी बात है। दुनिया में अगर दोस्तों मैं महिलाओं की बात करूं तो दुनिया में सबसे बुजुर्ग महिला ऑन पेपर की बात कर रहा हूं, मतलब हो सकता है इंडिया के अंदर भी 125 साल काफी लोग जिए हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे उनके बर्थ डेट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसलिए हमारे पास में क्या है फैक्चुअल डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि शुरुआत से उनके बर्थ डेट पता रहती है उनको, तो वो इजिली काउंट कर लेते हैं। तो दुनिया में सबसे बुजुर्ग जो मानी जाती है महिला, या पूरी दुनिया में बुजुर्ग पर्सन ऑन पेपर रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड, तो वो है दोस्तों 122 साल, 122 साल की महिला थी फ्रेंच, फ्रांस की, 1997 में इनकी मृत्यु हुई, 1875 में इनका जन्म हुआ, जिनका नाम है जेनी कैलमेंट। जेनी कैलमेंट इस पूरी दुनिया की सबसे बुजुर्ग पर्सन मानी जाती है। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो जिंदा है वो है कैन कैने तिनाका का है, जो कि अभी भी जिंदा है, लिविंग है, और ये 118 साल की है, जापान से है ये। जापान के देखिए काफी सारे, जापान में एवरेज एज ये 80 साल से ज्यादा है, 88 ईयर्स है, 88 ईयर तो वहां पे आम आदमी जीता है मतलब, तो यहाँ पे देखिए काफी सारे जापान के लोग हैं, ओके। इसके अलावा एक और लिविंग है 117 साल की, यहाँ पे वो भी, वो फ्रांस की है, लूसी उनका नाम है, लुसाइल। ठीक है गाइस, इसके अलावा पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 116 साल है सबसे हाईएस्ट, पुरुषों में 116, महिलाओं में 122। ठीक है, चलिए, तो ये थे कैमूरा। कैमूरा कहाँ के थे, जापान के, 2013 में इनकी मृत्यु हुई है। लिविंग के अंदर अभी कोई भी नहीं है इसके अंदर, ओके। यहाँ पे राज बोल रहे हैं कि सर मेरी ग्रैनी भी 105 साल की है प्लस की, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ मतलब मेरी भी जो ग्रैंड मदर थी वो भी 100+ एज में उनकी डेथ हुई थी, है ना। एक बार तो ऐसा हो गया था, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ओके, और ऑलमोस्ट मतलब ऐसा हो गया था कि जाने वाली थी मतलब, है ना, काफी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और काफी 10 साल पहले की बात है, और मैं उनको गीता पढ़ा, गीता जो है वो उनको सुना रहा था, उनको काफी पसंद थी गीता और वो काफी सुना करती थी, तो लास्ट के डेज के अंदर जो है मैं उनको गीता सुना रहा था और काफी तबीयत खराब हो गई थी, तो पेरेंट्स सभी लोगों ने, घर वालों ने सबको फोन वोन कर दिया, है ना, जैसे कि जो पेरेंटल विलेज है, जो गांव है, जो चाचा मामा था, सब जगह पे फोन कर दिया कि भाई दादी जाने वाली है तो आप लोग आके मिल सकते हैं, मतलब जिसको, है ना, तो काफी लोग जो है वो आ गए मतलब काफी घर पे, और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, 2 घंटे बाद में दादी बिल्कुल सही हो गई। तो
तो सब लोग आ गए और सब देखते हैं कि दादी एकदम सही है, बिल्कुल बैटरी है, लंच वंच कर रही है। वो बोलते हैं व्हाट इज दिस, मतलब यार कुछ हुआ नहीं और आप लोगों ने बुला लिया मतलब। तो बोला यार कोई बात नहीं, मतलब बुला लिया तो मिल लो, ऐसे भी तो मिल सकते हो। तो बोला नहीं यार, मतलब यार ऐसे तो काफी ऐसा हो गया था, मतलब अजीब कंडीशन हो गई थी। तो सब लोग आ गए, फिर मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब कोई बुजुर्ग होता है 100+ एज के होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, नॉर्मली ये लोग एक्सपेक्ट, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है, इट्स फाइन अगर कोई ओल्ड एज के अंदर जो है वो दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि बहुत परेशानी होती है ना उन खुद के पर्सन को। तो ज्यादा जो है वो जनता लोड नहीं लेती, हालांकि खैर हम अपन लोग तो लोड लेते हैं क्योंकि अपने तो ग्रैंड मदर है ना, तो अपन तो लोड लेंगे, क्योंकि अपन तो चाहते हैं कि वो 200 साल जिए। ओके तो उस टाइम पे वो सही हो गए, तो लोग आगे बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है, अगली बार आप बताओ तो क्या पूरा प्रॉपर तरीके से बताना, मतलब ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि है पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एथलीट को लेकर। तो यहाँ पे देवेंद्र और नमिषा, देवेंद्र और नमिषा ने दोस्तों क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल है जो कि जीते हैं। ओके गाइस, तो प्रॉमिसिंग पैरा एथलीट हमारे देवेंद्र कुमार और निमिषा सुरेश ने गोल्ड मेडल है जो कि जीते हैं, अपना कैंपेन स्टार्ट किया। 12वां फाजा इंटरनेशनल वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स है जो कि दुबई के अंदर करवाई जा रही है। ठीक है गाइस, वर्ल्ड पैरा एथलीट है ग्रैंड प्रिक्स, जैसे कि फॉर्मूला वन के होते हैं ना, उसी प्रकार से पैरा एथलीट के अंदर भी दोस्तों वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये पैरा वर्ल्ड पैरा एथलीट टूर्नामेंट है जो कि करवाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे डिस्कस थ्रोअर है देवेंद्र और नमिषा, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीते। प्रदीप और प्रणय ने यहाँ पे सिल्वर मेडल है जो कि यहाँ पे जीते हैं। ठीक है गाइस, अगर इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं जो कि हमारे टोक्यो ओलंपिक के चीफ को लेकर, इनके साथ में भी बहुत बड़ी चोट हो गई, टोक्यो ओलंपिक चीफ। ओके को बहुत बड़ी बात है ना यार कि टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है, उसके सबसे बड़े हेड पर्सन है, उसका नाम, उनका नाम है योशिरो मोरी। ओके गाइस, तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो क्विट कर दी गई, क्योंकि काफी ज्यादा इनको कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि जापान में झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इन्होंने एक सेक्सिस्ट रिमार्क है जो कि दे दिया था। ओके इन्होंने क्या किया, पब्लिकली ये बोल दिया कि महिलाएं जो है ना वो मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा बोलती है। ओके तो ये बोलने के बाद में काफी क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि पूरी महिलाओं को आप एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते ना, अगर कोई ज्यादा बोल रही है मीटिंग के अंदर तो आप कोई नाम बोल दो ना, ठीक है क्या नाम है, ठीक है रीमा है, रेशमा है, जो भी नाम है, तो आप वो नाम बोल दो कि ये बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन पूरे एंटायर महिलाओं को एक साथ इन्होंने क्या कर दिया कि एक सेक्सुअल रिमार्क है जो कि दे दिया कि वुमेन टॉक्स टू मच इन मीटिंग। उसके बाद में काफी जो है इतने लेवल पे जाके आप ऐसी बात नहीं बोल सकते, हालांकि साइंस जो है रिसर्च भी ये बोलती है कि एवरेज एक महिला 7,000 वर्ड्स बोलती है और पुरुष जो है वो 2,000 वर्ड्स बोलते हैं। ओके तो वो बात अलग है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। इन्होंने किया, काफी दोस्तों पब्लिक में क्रिटिसिज्म हुआ और फाइनली इनको क्विट करना पड़ा अपनी पोजिशन को लेकर। ठीक है गाइस, चलो अब ओलंपिक की बात हो ही गई है, ठीक है ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इंडिया के ओलंपिक की परफॉर्मेंस भी बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, आपको जान के हैरानी होगी कि जब ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुए थे एथेंस के अंदर, तब हमने दोस्तों 1900 के अंदर ही पार्टिसिपेट कर लिया था ओलंपिक के अंदर। हमारे तरफ से नॉर्मान थे सबसे पहले एथलीट जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते दूसरे ओलंपिक के अंदर, 2 सिल्वर मेडल पहली बार पार्टिसिपेट किया हमने ओलंपिक गेम्स में 1900 के अंदर, ठीक है 2 सिल्वर मेडल जीते हमारे एथलीट ने, पहली एकमात्र एथलीट थे नॉर्मन ब्रिचन। ओके उसके बाद में 20 सालों के बाद में हमने समर ओलंपिक के अंदर टीम भेजी 1920 में, जिसमें 5-7 लोग ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। विंटर ओलंपिक में हमने 1964 में स्टार्ट किया, और 100 साल से भी ज्यादा 125 साल हो चुके हैं दोस्तों, हमने टोटल मिला के 28 मेडल है जो कि अभी तक जीते हैं पूरे ओलंपिक के इतिहास के अंदर। समझ गए मेरी बात, टोटल 28 मेडल है जो कि हमने जीते हैं, ठीक है जिसके अंदर हमारे 8 गोल्ड मेडल है जो कि हमने हॉकी के अंदर जीते हैं। ठीक है ये आपको पता होगा, 28 मेडल है जो कि हमने टोटल अभी तक जीते हैं, और इट इज इक्वलेंट टू द माइकल फेल्प्स। बस फर्क कितना है कि हमने 8 गोल्ड मेडल जीते और माइकल फेल्प्स ने 26 गोल्ड मेडल है जो कि इसके अंदर जीते हैं अकेले आदमी ने। तो 8 हमने क्या हुआ है एक्चुअली के अंदर, एकमात्र सोल हमने टोटल जो है 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक हो गया अपना अभिनव बिंद्रा का जो कि एकमात्र कॉन्टेंडर है जिन्होंने सोल इंडिविजुअल इवेंट में जीते, और 8 गोल्ड मेडल हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। समझ गए, तो टोटल हमने कितने हो गए, 9 गोल्ड मेडल है जो कि हमने जीते हैं। ठीक है गाइस,
है। तो हॉकी की देखो, सबसे पहले तो हो गए हमारे नॉर्मन प्रिंचन, जिन्होंने 2 मेडल जीते। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 1952 के अंदर हमारे जाधव थे, जाधव जी, उन्होंने 1 मेडल जीता। और उसके बाद में 1996 के अंदर लिएंडर पेस ने अटलांटा के अंदर, उसके बाद में कर्णम मनेश्वरी सिडनी, राज्यवर्धन सिंह राठौर आपको मालूम ही होगा, ओके एथेंस में सिल्वर मेडल, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह बीजिंग में, सुशील कुमार बीजिंग में। और ये वो टाइम था लंदन वाला जिसमें हमने मैक्सिमम 6 मेडल जीते हमारे इतिहास के अंदर। विजय कुमार सिल्वर, सुशील कुमार सिल्वर, साइना मैरीकॉम, गगन और गंगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज मेडल। फिर वापस से पीवी सिंधु और साक्षी मलिक लास्ट वाले ओलंपिक में, जिसमें 2016 में बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है जो कि रही। तो कुल मिला के हमने 9 तो जीते गोल्ड मेडल, 7 जीते हैं सिल्वर और 12 जीते हैं ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार से हमारे ओलंपिक इतिहास में 28 मेडल है जो कि हमने अभी तक जीते हैं। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कोरोना के एक सेलफोन नंबर है जिसने कोरोना में बिहार के अंदर टेस्ट करवाया, उसका फोन नंबर ये वाला है। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बिहार के अंदर कोरोना को लेकर के कितने टेस्टिंग करी है और कितना फेक डेटा है जो कि दिखाया गया है। तो वो तो हमें पहले ही पता था, मतलब कि जब स्टार्टिंग हुआ था कि इतना जो हमारे यहाँ पे नंबर दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है, झूठे, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे बिहार में इन्वेस्टिगेशन है जो कि यहाँ पे कर रही जा रही है, मतलब ओके। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, जो कोविड का जो नंबर थे वो तो हमने शुरू में ही बात करी थी ना कि बहुत ही कम बताए जा रहे। दिल्ली के अंदर तो लाशें तो मतलब हर 1 मिनट के अंदर आ रही थी दिल्ली के अंदर, और जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था बहुत ही कम, 100 150। तो वो तो खैर पहले ही काफी हो गया था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये नंबर आया एक आदमी का 0 0 0। अंकित ने भी यहाँ पे बताया कि मेरे बगल में एक बूढ़े बाबा है जो 10 दिन पहले मर गए तो सभी रोने लगे, फिर पता चला कि अभी जिंदा है तो सब शांत हो गए, फिर वापस से मर गए तो कोई रोया नहीं। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया हमारे एग्जाम की। यहाँ पे दोस्तों फूलन देवी और निर्भय गुर्जर इन सब के लेकर एक पुलिस म्यूजियम बना रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जो चंबल वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे काफी जो ये डाकू हुआ करते थे, ओके फूलन देवी निर्भय गुर्जर ये सब। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ कि आजादी के बाद में बहुत लोगों के अकाल पड़ा, बारिश नहीं आती थी तो बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ा, खेती बाड़ी नहीं हो पाई, तो बहुत सारे लोग जो है वहां पे बेरोजगारी के चक्कर में क्या हो गए, इस डकैत बन गए, तो गांव को लूट लिया करते थे, जैसे कि शोले मूवी में दिखाया ना, बिल्कुल लिटरली वैसे ही हुआ करता था कि गांव को आके लूट लिया करते थे। तो वो सारी यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर दिखाया जाएगा, मध्य प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया का स्मार्टफोन को लेकर। इंडिया स्पेंड हाईएस्ट टाइम ऑन एवरेज यूजिंग स्मार्टफोन, ओके। तो एवरेज जो टाइम आप मोबाइल फोन के ऊपर स्पेंड करते हो वो पूरी दुनिया में हाईएस्ट बन चुका है, और जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं वो 4 गुना बन चुका है 2024 के अंदर बन जाएगा, ये नोकिया की एक रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया। सेकंड नंबर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं ब्रॉडबैंड यूजेज के अंदर, मोबाइल फोन यूजेज में आफ्टर फिनलैंड, फिनलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, ओके मोबाइल फोन यूजिंग के अंदर 4 गुना दोस्तों एवरेज यूजर है, जो कि कंजप्शन लास्ट ईयर के अंदर बढ़ गया है। 164 पेटाबाइट डाटा है जो कि कंज्यूम किया गया 2015 में, ओके। और अभी ये 164 से 10,000 पेटाबाइट है जो कि पहुंच चुका है, मतलब कितना ज्यादा एवरेजली, ओके 5 घंटे पर डे एक पर्सन है जो कि मोबाइल के ऊपर बिता रहा है, मतलब कितने रिश्ते जो है वो खराब हो रहे होंगे मोबाइल फोन के चक्कर में। दो दोस्त बैठते हैं दोनों मोबाइल फोन के अंदर लगे रहते हैं, परिवार वाले बैठते हैं, घर वाले बैठते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। प्लीज गाइस इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना यार, ओके अपने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे, कोशिश किया करो जितना कम से कम मोबाइल काम में लो, है ना। मैंने आपको इसको लेकर मूवी रिकमेंड करी थी, नहीं देखी तो देख लेना, कल संडे है। जिन जिन लोगों ने सोशल डायलेमा नहीं देखी वो देख लेना, नेटफ्लिक्स अमेजन के ऊपर है, डॉक्यूमेंट्री देख लेना 1 घंटे की है। और जिन जिन लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी नहीं देखी वो देख लेना गुलजार साहब की आवाज में। मैंने एक और बताई थी कुछ दिन पहले, भगत सिंह माई फ्रेंड, देखी क्या सबने, भगत सिंह माई फ्रेंड ये भी देख लेना 1 घंटे का, भगत सिंह माई फ्रेंड, ये पीयूष मिश्रा जी है, ठीक है। भगत सिंह माई फ्रेंड लिखोगे ना तो यूट्यूब पे एक आएगा, एक लिंक आएगा, मतलब पीयूष मिश्रा का एक सेमिनार का, मतलब एक उसका चल रहा है उनका, तो वो देख लेना 1 घंटे का है, बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन काम में ले रहे हो तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो,
लेकिन अगर आप बाकी टाइम पास कर रहे हो तो प्लीज गाइस मत किया करो, है ना। ऑलमोस्ट 55% जो कंजप्शन है दोस्तों वो शॉर्ट कंटेंट के ऊपर जा रहा है यूट्यूब सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। 45 जो है वो ई फिनटेक ई कॉमर्स और उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे राजा सिंह बोल रहे हैं 1 इंच भी जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे, ये सब बातें। तो हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये देखिए दोस्तों कॉलेज की फीस भरने के लिए एक मिट्टी डोई छात्रा ने उड़ीसा के अंदर दोस्तों 5 महीने है कॉलेज की फीस देने के लिए मनरेगा के अंदर काम करा। मतलब सोचिए कितनी गलत बात है, मतलब कि हमारे यहाँ पे नौकरियों की इतनी ज्यादा समस्या है कि बीटेक करे हुए लोग जो है वो मनरेगा के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, मतलब अपनी फीस भरने के लिए। चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे इसको लेकर, शिखर सम्मेलन को लेकर। तो प्रधानमंत्री 2 बार जो करेंगे, दूसरे मैरिटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ऑनलाइन है और ओके वर्चुअली है जो कि इसको करवाया जा रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मैरिटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन कौन इसको होस्ट करेगा, कौन इसको उद्घाटन करेगा? प्रधानमंत्री जी है जो कि इसको उद्घाटन करेंगे। 56 देशों को दोस्तों आमंत्रित किया गया जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई है। इसके अंदर चीन है जो कि शामिल नहीं है। 20,000 लोग है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके चलिए, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ना उसको राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित है जो कि किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यह अवार्ड है जो कि दिया गया है। देश का फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जिसको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, यहाँ पे जो सीवरेज का जो पानी है उससे यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं प्लांट है उसको भी क्या किया जाता है, सिंचाई करी जाती है। 70% जो पानी है वो बचा लिया जाता है सीवरेज का पानी को यहाँ पे प्लांट पे यूज करके। ठीक है, तो 100 किलोमीटर लंबाई में नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे टर्मिनल एरो सिटी के आसपास पानी को लेकर भी, और ताकि पानी बचाया जा सके। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा तेलंगाना की जो मानसा है, वाराणसी बनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। तो तेलंगाना की इंजीनियर है मानसा, बुधवार को मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 के फिनाले में मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब है जो कि इन्होंने जीता है दोस्तों। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो कई सारे अवार्ड होते हैं, तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड होता है, फेमिना मिस इंडिया होता है ना। तो यहाँ पे मनिका करके हरियाणा की है उनको मिला है फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, तो आप तो बस ये वाला नाम ध्यान रखना, मानसा वाला, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मिस यूनिवर्स फिलहाल दोस्तों 2020 कौन है दुनिया में, जल्दी बताइए क्या नाम था? टुनजी, टुनजी थी ना साउथ अफ्रीका की टुनजी। और मिस वर्ल्ड दुनिया में कौन है अभी, मिस वर्ल्ड 2019, जल्दी बताइए मिस वर्ल्ड 2019 कौन है दुनिया के अंदर? इंग्लैंड की थी ना, इंग्लैंड की, क्या नाम था? टोनी सिंह। हाँ टोनी सिंह, ठीक है दोनों नाम ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ चाइना टास्क फोर्स टू काउंटर चैलेंजेस पोस्टेड बाय बीजिंग। तो बाइडन ने दोस्तों क्या किया है, एक चाइना टास्क फोर्स है जो कि लॉन्च करी ताकि चाइना और बीजिंग को काउंटर अटैक है दोस्तों जो कि किया जा सके। ओके गाइस, तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि सिविलियन और मिलिट्री एक्सपर्ट है जो कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व करे जाएंगे, और इंडो पैसिफिक और ग्लोबली दोस्तों चाइना के जो थ्रेट है, जाना जिस तरीके से काम कर रहा है उसको रोकने को लेकर काम किया जाएगा। ठीक है गाइस, एक बार वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे गाइस। चलिए ठीक है, तो यूएस आप देख सकते हो दोस्तों, यूएस को जरूरत क्यों पड़ रही है चाइना की टास्क फोर्स बनाने को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों कि अभी रिसेंटली COVID-19 में यूएस तो गया है नीचे और चाइना गया है ऊपर। हमारे पास में भी बहुत बड़ा मौका था COVID-19, हमारे देश जो है वो बहुत जबरदस्त उभर सकता था हम लोग, लेकिन COVID-19 को टैकल नहीं कर पाए अच्छी तरीके से। लॉकडाउन जो है 4 घंटे के अंदर लगा दिया, उससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। अदरवाइज हमारे पास में भी एक बहुत अच्छा मौका था कि दुनिया में चाइनीज इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर लेके आने को लेकर। तो इसी वजह से दोस्तों क्या हो गया, चाइना जो है वो उभर गया क्योंकि दुनिया में अल्टरनेटिव किसी के पास में अवेलेबल नहीं था। ओके, और हांगकांग से लेकर साउथ चाइना सी से लेकर श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, इन सबके ऊपर दोस्तों काफी कंट्रोल है जो कि यहाँ पे पैसा देकर बिजनेस देकर चाइना ने कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों प्ली इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लगाने को लेकर किसी ने एक PIL है जो कि दर्ज करी थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी गई है। क्यों लगाई थी दोस्तों PIL, उसका ये कहना था कि जिस तरीके से अनलॉफुल
और अर्बिट्री किलिंग हो रही है, काफी ज्यादा क्राइम है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ गया है, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो उसको लेकर यहाँ पे पेटिशन लगा के प्रेसिडेंट रूल लगाने को लेकर बोला था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट रूल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है इसके अंदर फर्स्ट है। तो आर्टिकल 356 के अंदर दोस्तों प्रेसिडेंट रूल है जो कि लगाया जाता है, अगर स्टेट की मशीनरी काम नहीं करती है तो गवर्नर क्या करते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट को बोलते हैं और फिर प्रेसिडेंट क्या लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल है जो कि लगाते हैं, समझ गए। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी दोस्तों इसको कहा जाता है। एक बच्चा जो है वो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांग रहा है, अरे यार नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मैं तो खुद किसी और का काम में लेता हूँ भाई, ठीक है, मेरे से मतलब भाई मैं तो खुद किसी और का काम में लेता हूँ यार, और मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले मेरा अकाउंट परमानेंटली बैन कर देंगे, इतने सारे लोग उसको, एक चार लोग से ज्यादा यूज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, समझ गए, चार लोग से ज्यादा जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, चलिए ठीक है गाइस आगे बात करें। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली बार दोस्तों कब लगाई गई थी ये भी बता दीजिए मुझे, स्टेट इमरजेंसी पहली बार कब लगाई गई थी, पहली बार लगाई गई थी 1962 से लेकर 1968 के अंदर, इंडो चाइना वॉर जब हुआ था ना, ठीक है, तब यहाँ पे इमरजेंसी है जो कि पहली बार हमारे देश को रखते हुए नेशनल इमरजेंसी है जो कि लगाई गई थी, ठीक है। तीन बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, दो बार तो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, सॉरी मैंने स्टेट लिख दिया यहाँ पे, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है पहली बार लगी थी चाइना वॉर के अंदर, फिर पाकिस्तान वॉर में, फिर एक बार जो है वो इंदिरा गांधी जी वाले टाइम पे लगी थी, ठीक है, तो तीन बार जो है वो लग चुकी है। अगर मैं स्टेट इमरजेंसी की बात करूँ तो स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार है जो कि लग चुकी है, पहली बार जो है वो पंजाब के अंदर है जो कि लगी थी, ठीक है। ओके गाइस, और इंडिया के अंदर सारे स्टेट जो है उनके अंदर लग चुकी है, सिर्फ दो ही ऐसे स्टेट है जहां पे आज तक स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है, एक तो तेलंगाना क्योंकि अभी नया नया बना है, और छत्तीसगढ़ वो भी अभी नया नया बना है, तो इन दोनों राज्यों के अंदर दोस्तों आपको स्टेट इमरजेंसी देखने को नहीं मिलेगी अभी तक, इसके अलावा सब जगह पे आपको देखने को मिली है मतलब, ठीक है। और 6 महीने के लिए लगा सकते हैं इनिशियल पीरियड, और उसके बाद में मैक्सिमम 2 साल तक लगा सकते हैं, और पार्लियामेंट का अप्रूवल है जो कि इसके अंदर चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और उत्तर प्रदेश और साथ में अपना आसाम, यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगी मतलब, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डिफरेंसेस है जो कि लिखे हुए हैं, तो ये भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑर्किड सेंचुरी को लेकर, सेसा ऑर्किड अभयारण्य को लेकर, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, रिसेंटली एक न्यू गेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है सेसा ऑर्किड सेंचुरी को लेकर, यहाँ पे 236 स्पीशीज है ऑर्किड के जो कि देखने को मिले हैं, मशरूम हो गए, मेडिकल प्लांट्स हो गए कई जगह पे, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो जो फ्लावर, जो हम लोग बात करते हैं ना बायोडाइवर्सिटी को लेकर, फ्लावर को लेकर, तो एक नई जगह है जो कि रिसेंटली एक्सप्लोर करी गई है, और ये कौन सी है, सैसा ऑर्किड सेंचुरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये अनाउंसमेंट है जो कि रिसेंटली किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंक्रीज इन स्नो कवर, शेल्डिंग ग्लेशियर्स इन हिंदू कुश, काराकोरम रेंजेस फ्रॉम यहाँ पे श्री किंग, तो यहाँ पे हिंदू कुश और जो काराकोरम के अंदर जो बर्फ के ग्लेशियर है ना वो धीरे धीरे दोस्तों कम हो रहे हैं, ये जानकारी है जो कि यहाँ पे दी गई है। तो अभी क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पे देखा गया है, तो हिंदू कुश की जो माउंटेन है ना अफगानिस्तान, हिंदू कुश की जो आपको मालूम है ना, ठीक है, क्या होता है कि पामिर जो नॉट है ना, पामिर के बारे में आपने सुना होगा, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, तजाकिस्तान वाले एरिया के वहां पर है ये, तो वहां से दुनिया की बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस स्टार्ट होती है, जैसे कि हिमालय हो गया, हिंदू कुश हो गया, ओके, और तियन सेंग हो गया, ऐसे कई सारी माउंटेन रेंजेस वहां से स्टार्ट होती है, तो उसी के अंदर एक हिंदू कुश भी है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में जाती है, तो वहां पे भी जो है अगर क्लाइमेट का परफॉर्मेंस देखा गया है, जो हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन है जो कि ऊपर वाला एरिया है, तो वहां पे भी ग्लेशियर दोस्तों धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, इन सभी एरिया के अंदर हिंदू कुश हिमालयन रीजन है जो कि देखने को मिलता है, काफी लार्ज एरिया है, इसको थर्ड पोल भी कहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा,
ओके, क्लाइमेट को लेकर काफी सिग्निफिकेंट है ये, और फ्रोजन वाटर यहाँ पे काफी देखने को मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज जो स्नो का है ना, पोलर एरिया के बाद में यहीं पर ही देखने को मिलता है, तो वो पिघल रहा है, तो ये काफी चिंता की स्थिति है। देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया है ना, काफी बड़ा। चलिए ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से आपको काफी सारे रिवर्स है जो कि दुनिया की देखने को मिलती है, इरिगेशन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बहुत जगह पे आपको ये मदद करती है। ब्रह्मपुत्रा, इंडस भी ऐसे ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिपोर्ट है दोस्तों जो कि यहाँ पे करी गई है। आगे बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की, तो 12 फरवरी की बात करें, 1502 वास्को डी गामा लिस्बन से दोस्तों सेकंड ट्रिप के इंडिया की तरफ आए थे। ओके, 1809 के अंदर जियोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन का दोस्तों जन्म हुआ था। 1928 के अंदर गांधी जी ने डिक्लेयर किया सत्याग्रह बारदोली में। 1975 के अंदर इंडिया ने डिक्लेयर किया खुद को फ्री स्मॉल पॉक्स से। ओके, इसके अलावा फन फैक्ट की बात करें गाइस, तो पूरी दुनिया में कोको कोला आपको दो ही जगह पे देखने को नहीं मिलेगी, एक तो नॉर्थ कोरिया और एक क्यूबा। ये दोनों दोस्तों कोको कोला आप यहाँ पे खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पे बैन कर रखा है अमेरिका के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इसके अलावा गाइस, मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था खुशी के बारे में, तो खुशी की जो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है वो मिल गई है। मैंने क्राउड फंडिंग के लिए बोला था कि खुशी के जो है वो काफी प्रॉब्लम्स है ना, ओके, तो हेल्थ को लेकर, तो उसको हमने बात करी थी कि हम उनको क्राउड फंड करेंगे, तो काफी जो है वो मेरे किसने काफी टाइम से रिसेशन हुआ, रिपोर्ट कार्ड्स मेरे पर आ चुकी है। एक वीडियो है जो कि आपको एक मैसेज का मुझे अभी नहीं मिला है, तो मैं आज एक मैसेज मंगवा लूंगा है ना, खुशी का वीडियो मैसेज आप लोगों के लिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा था पहले, ओके, और कौन सा हॉस्पिटल में वो इलाज करवाने वाली है, ये सब चीजों को लेकर, तो वो मैसेज मेरे को आज मिल जाएगा, तो फिर हम लोग जो है, मैं आपको कल जो है वो मैसेज दे दूंगा वीडियो के साथ में, पूरी रिपोर्ट कार्ड के साथ में, तो हम लोग जो है एक क्राउड फंड करके 1-1.5 लाख रुपए की हेल्प है जो कि खुशी को कर देंगे, ताकि वो अपना इलाज करवा चुके। आज से 1,000 से भी ज्यादा ट्वीट है जो कि वो कर चुकी है, मतलब खुशी, और पिछले 6 महीने से मतलब लगातार, मतलब हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, वाईफाई स्टडी के, ट्विटर के ऊपर, सब जगह पे कोशिश कर रही है क्राउड फंड को लेकर। ओके, तो कल आप उनकी हेल्प करते हैं ना, कल एक वीडियो मैसेज में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है गाइस, चलिए, इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी प्लस कोर्स लेना हो, तो आपको मालूम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU 10 या बुनेशन आप यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। SSC के अंदर फाउंडेशन बैच है जो कि चल रहा है, मैं यहाँ पे कंप्लीट GK करवा रहा हूँ, पॉलिटी की शुरुआत करने वाला हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट SSC में CGL, CHSL, MTA, GD की पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, टॉप फ्री 40 स्टडी GK का कोर्स आपके लिए फ्री है, सुबह 10 बजे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ में पॉलिटी की शुरुआत होने वाली है 7 दिनों में, और रेलवे के लिए भी दोस्तों ग्रुप डी के लिए पूरी वाईफाई स्टडी टीम का कंप्लीट कोर्स है जो कि आपके लिए ग्रुप डी के लिए आ गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने का प्लस कोर्स मात्र 2400 रुपए में, ग्रुप डी की आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो। मैंने भी स्टार्ट कर दिया है रेलवे की प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए प्लस कोर्स 12 बजे स्टार्ट होती है, ज्वाइन कर लेना BHU 10 यूज करके। आज का पहला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई चीन टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा करी है? अगला है, क्रू हाल ही में खबरों में था, वह कौन है? नेक्स्ट है, कर्नाटक के विजयनगर को 31वां जिला जो है वो घोषित किया गया है, तो ये कौन सी जगह से काट के बनाया गया ये आपको बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र जंगली आर्किड अभयारण्य सहसा आर्किड अभयारण्य कहां पर है? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, थैंक यू, गुड बाय, एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।